पंजाब के लिए राहत भरी खबर। पंजाब में चली मालगाड़ियां। लंबे समय के बाद पंजाब के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। किसानों के फैसले के बाद अब रेल विभाग ने ट्रैकों की सुरक्षा संबंधी सभी जायजा लेने के बाद 2 मालगाड़ियां चलाई हैं। फिरोजपुर मंडल के रेल प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने इस प्रति जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को रेलवे के आदेश के बाद 2 मालगाड़ियां चलाई गई हैं और इसी के साथ साथ गोल्डन टेम्पल भी आज अंबाले की जगह अमृतसर तक जाएगी और इसी के साथ कल अमृतसर से हरिद्वार के लिए भी यात्री ट्रेन चलाई जाएगी। अब सुनिए क्या कहते हैं फिरोजपुर के DRM राजेश अग्रवाल। एजिटेशन कर रहे थे तो मालगाड़ियाँ और पैसेंजर गाड़ियाँ जो मेल ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई थी, तो अब सर क्या नई गाइडलाइंस आई हैं? आप कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या है सी? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि पंजाब की जनता की परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर उन्होंने जो रेल विभाग को संपूर्ण परिचालन के लिए स्वतंत्रता दी है उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम लोगों ने जैसे ही ये सूचना शनिवार की शाम को मिली कि ऐसी सहमति बनी है, तुरंत ही हम लोगों ने रेलवे ट्रैक पर और अपने रोलिंग स्टॉक पर, स्टेशनों पर सभी सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित प्रबंधों का जायजा लिया और उनको पुख्ता करने के लिए जो इंस्पेक्शन आवश्यक थे वो किए। कल रात 3 बजे तक GRP, RPF इन सबों ने मिल करके लाइट इंजन के माध्यम से फिरोजपुर मंडल के सभी ट्रैक, वो पंजाब में हों या JNK में हों, किसी भी राज्य पे हों, चूँकि वो 2 महीने से इस्तेमाल नहीं हुए थे तो उसमें थोड़ी सी भी शक सुबह ना रहे, इसकी जांच की गई। उसके बाद आज सुबह डे लाइट में हम लोगों ने फुट टू फुट इंस्पेक्शन कराया और करीबन 12 बजे तक ये सभी जगहों पे पूरे मंडल के क्षेत्रों का निरीक्षण करके उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद हम लोगों ने अभी दोपहर 2 बजे 2 गुड्स ट्रेनें, एक एम्प्टी और एक लोडेड चला दी हैं। जो लोडेड जिप्सम है वो जम्मू साइड से आएगा और कठुआ से निकल करके लखनऊ को जाएगा और जो एमटी BTPN है जो कि जलंधर में खड़ा था वो अब चल करके यहाँ से दिल्ली को रवाना होगा। इसी के साथ जैसे जैसे और बाकी चीज़ें प्लान होती जाएंगी उन सभी ट्रेनों को चलाया जाएगा। अब देखा जाए तो सर मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी चलाई जाएंगी क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया वो भी बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि रेलवे ने कहा था कि सभी गाड़ियाँ जो अब चलाई जाएंगी, अकेली मालगाड़ियाँ नहीं चलाई जाएंगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है और हमने इसी क्रम में कल रात को ही एक विस्तृत जानकारी ट्विटर के माध्यम से आप सब लोगों से साझा कर ली थी जिसकी की डिटेल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन जिसके नाम से पंजाब जाना जाता है गोल्डन टेम्पल, तो वो गोल्डन टेम्पल मेल जो कि आज रात जब अम्बाला आएगी तो वहाँ टर्मिनेट ना होकर के उसको हम अमृतसर तक लाएंगे और फिर अमृतसर से हरिद्वार जो जाने की ट्रेन है वो भी हम कल सुबह अमृतसर से ही शुरू करेंगे। इसी प्रकार अन्य स्थानों से भी, फिरोजपुर से जो धनबाद जाती है या बाकी और स्थानों से भी जो जो ट्रेनें हमने उस अपने ट्वीट में पूरा दिया हुआ डिटेल और जो आया हुआ है, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो उसी प्लान के मुताबिक सभी यात्री गाड़ियों की सेवाएं जो परिचालन के लिए कह दी गई हैं उनका प्रारंभ कर दिया। सर रेलवे के पास अब आ गया है, सारे ट्रैक खाली हैं, कहीं पर किसान जो है नहीं बैठे हुए फिरोजपुर डिवीज़न में? देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि बैठने के साथ साथ उसकी मानसिकता क्या है। जब सभी लोगों ने ये कह दिया कि भाई रेलवे परिचालन में यात्री और मालगाड़ी दोनों आप चलाएं तो हमें चलाना चाहिए और हमको उसके लिए जो नियम बना हुआ है GRP की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दिया गया है तो हमें उस पर शक सुबह करने की आवश्यकता नहीं। सर टोटल गाड़ी कितनी चलेगी? नहीं अभी तो हमने आपको बताया ना, अभी जस्ट सारे व्यवस्था करके 2 गाड़ियां अभी दोपहर में 2 बजे शुरू करी हैं। अब थोड़ा जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा बाकी ट्रेनें भी चला दी जाएंगी।